हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम। बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं और हमें रूट्स निकालना यानी सॉल्यूशंस निकालना है। कौन से अलग अलग मेथड्स हम सीखने वाले हैं? अभी जो हम मेथड कर रहे हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन, उस मेथड से कुछ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले तो वो देखिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये सबने समझ लिया है। द्विघात समीकरण क्या होता है, पहचाने कैसे? ठीक है, तो ये मैं फिर से आपको बता देता हूं। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, तो इसको बोल सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अब दूसरी बात ये है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ गए हैं और आप पहचान सकते हैं कि होती क्या है, तो इसके बाद आपको करना होगा उसको सॉल्व। अब आते हैं, या तो सॉल्यूशन आता है, इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं। अब वो कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, पहला तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, यानी व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा है सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर रूट्स आप बोल सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, वो देखिए। सबसे पहला जो मेथड है वो करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी मिडल टर्म को स्प्लिट करके। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका जो हम करेंगे उसको बोलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तरीका जिससे हम सॉल्यूशन और रूट निकाल सकते हैं, इसको बोलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला भी है हमारे पास जिसका यूज करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको समझेंगे, सीखेंगे अच्छे से कैसे करते हैं, और उसके बाद इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं उसको, और फिर ऐसे ही करके एक एक करके सारे मेथड्स पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो चलिए हम जो फर्स्ट मेथड है आपका, ठीक है, कौन सा है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, नाम से ही आप समझ जाएंगे। नाम से मतलब जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है मिडल टर्म को स्प्लिट करते हुए। क्या करना है? मिडल टर्म को स्प्लिट करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और सी,
ठीक है, ये जो a और c दिख रहे हैं इनका करेंगे मल्टीप्लाई, a इंटू सी कर देंगे, ठीक है, a इंटू सी कर देंगे। उसके बाद जो आपकी ये बीच वाली टर्म दिख रही है, ठीक है, जो बीच वाली टर्म दिख रही है आप क्या करेंगे, a और a इंटू सी इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों को या तो हम प्लस करें, ठीक है, या माइनस करें, यानी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए b इंटू एक्स, ठीक है। और दूसरा बात, इनको स्प्लिट करके वही, ठीक है, सेम चीज, ठीक है, a और c को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगी उसको ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करो जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करके तो बी एक्स आए और मल्टीप्लाई करके ए सी आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करके वापस ये ए सी आ जाए। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूं आपको। देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 या फिर इसको कर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है, यहाँ पे a कितना है 2 है, c कितना है माइनस 9 है, ठीक है, इस तरह से इसको कंपेयर करके देखेंगे आप, तो a इंटू सी कितना आ जाएगा, a इंटू सी कितना आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा, तो यहां से हम 18 ले लेते हैं, 18 के कर देते हैं फैक्टर, फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 18 के, ठीक है, ये आ जाएंगे 2 से डिवाइड कीजिए 9 आ जाएगा, फिर 3 से तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, जो आप फैक्टराइजेशन बोल रहे थे बेसिकली ये होता है। अब क्या करना है भाई, जो ये 18 है, ठीक है, बेसिकली माइनस 18 है, इसको दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करो, ठीक है, कि एड या सब्ट्रैक्ट करके तो ये बी एक्स आ जाए, यहाँ पे बी एक्स कितना है 7x है, बी एक्स कितना है 7x है, ए सी कितना है माइनस 18 है, ठीक है, बी एक्स माइनस 7x है और ए सी कितना है माइनस 18 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जाना चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, 2x स्क्वायर ये एज इट इज लिख दिया, तो बीच वाली टर्म है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया और ये रह गया 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्लस 9x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 7x की जगह मैंने क्या लिख दिया प्लस 9x और माइनस 2x, प्लस 9 और माइनस 2 कितना हो जाता है, प्लस 9x माइनस 2x कितना हो जाता है, ये प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 7x आ जाएगा, तो इन दोनों को प्लस माइनस करके कितना आया है 7x आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 इंटू माइनस 2 कितना आ गया माइनस 18 आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ए सी के इक्वल आ गया। बस यहाँ पे यही दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद तो सिंपल है, असली चीज जो है इस मेथड में वो यही है, ठीक है, जो बीच वाली टर्म है उसको कैसे स्प्लिट करेंगे आप। अब क्या करना है, अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा हो उसको कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 9, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए 2x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 9 कॉमन आ गया, तो ये x माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो x को रखेंगे x 2x प्लस 9 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो 2x प्लस 9 अगर 0 के इक्वल रखा तो x किसके बराबर होगा माइनस 9 बाय 2, और अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x हो जाएगा 1। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसकी, या फिर रूट्स बोल सकते हैं। कैसे किया है एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और जो टर्म c है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, फिर उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर निकाल के उन फैक्टर्स के ऐसा एक पेयर बनाना है जिनको, ठीक है, ऐसा पेयर बनाना है
ताकि मिडल टर्म को हम उन नंबर्स के रूप में स्प्लिट कर सकें और ऐसे बांट सकें कि भाई उन दो टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी आ जाए। बस ये करना है। जैसे भाई 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 9 और 2 को माइनस 18 आया। अब किस किस में इसको बांट सकते हैं? 9 और 2, माइनस 2 में, ठीक है, क्योंकि 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 होता है, तो मल्टीप्लाई करके तो यही आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है? प्लस 7x। दैट्स इट, इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज आ जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से, इस मेथड से हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, अब करते हैं इस मेथड को प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करें आप। देखिए सबसे पहला पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बोला गया है? फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड आउट करने हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे करना है भाई? अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी कितना है? x स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 1 होगा, और c कितना है? माइनस 10। तो ये माइनस 10 आ गया, a इंटू सी माइनस 10 आ गया। अब माइनस 10 के भाई ऐसे फैक्टर्स देखो दो, जो ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जो मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आ जाए, ठीक है, जिनको गुणा करके माइनस 10 आ जाए। क्या हो सकता है? या तो माइनस 1 इंटू 10 हो जाए, या फिर 1 इंटू माइनस 10 ये बोल सकते हैं, या फिर 2 इंटू माइनस 5, ये भी तो कितना होगा? माइनस 10 होगा, या फिर माइनस 2 इंटू माइनस 5, माइनस 2 इंटू प्लस 5, ठीक है, ये भी माइनस 10 होगा। तो इसमें से कौन सा फैक्टर हमें कंसीडर करना है जो हमारी दोनों चीजें फुलफिल कर दे? कौन सी? इन दोनों को गुणा करके मल्टीप्लाई करके तो माइनस 10 ही आना चाहिए, तो वो तो हर केस में आ रहा है माइनस 10, है कि नहीं? लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? जो बीच वाली टर्म है उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम 2, ठीक है, 2 करते हैं प्लस का, और माइनस 5x, तो मुझे बताइए क्या आएगा? ये आपका ये आ जाएगा माइनस 3x, ठीक है, तो माइनस 3x, यहां भी माइनस 3x है, हमारी बात बन सकती है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको कुछ ऐसे करना चाहें कि भाई ये हो जाएगा माइनस 2x एंड प्लस 5x, तब कितना आएगा? तब आएगा प्लस 3x। तो ये माइनस 3x चाहिए हमें, है ना, तो ये वाले दो फैक्टर्स इसके सही रहेंगे, है ना, प्लस 2 एंड माइनस 5 ये वाला, बाकी सबको हटा देते हैं, ये हमारे काम के हैं फैक्टर्स, ऐसे चेक कर सकते हैं आप, इनको हटा दीजिए, ये हमारे किसी काम के नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 3x की जगह लिखेंगे माइनस 5x एंड प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि माइनस 5x प्लस 2x को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x ही आएगा। तो मैंने अगर माइनस 3x की जगह ये लिख दिया तो बात तो वही है, वही चीज तो माइनस 3x ही रह रही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए मैथ्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आना चाहिए एक्सप्रेशन में, ऐसे ही हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम स्प्लिट करके वही सॉल्व करेंगे वापस से, तो एक स्टेप पीछे वाली चीज आनी चाहिए हमारी, ये चीज ध्यान रखें। तो इसके बाद तो इजी है, मैंने क्या बताया था, अब इसमें कॉमन लेना है, कॉमन लेके
जीरो के बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ क्या आंसर आता है आपका, रूट्स क्या आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे तो बहुत इजी है, कर लेंगे हम। एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा यहां से, अगर एक्स कॉमन ले लिया पहली दो टर्म से तो ये बच जाएगा एक्स माइनस फाइव। ठीक है, फिर प्लस टू अगर कॉमन ले लिया तो फिर एक्स माइनस फाइव यहाँ पे बच जाएगा। एक्स माइनस फाइव इस पूरी टर्म से कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस फाइव तो कितना बच जाएगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, नाउ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स किसके बराबर होगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे फाइव के इक्वल। ठीक है, इसको हम यहां कर देते हैं, एक्स माइनस फाइव अगर जीरो के बराबर होगा तो एक्स होगा फाइव के इक्वल, और एक्स प्लस टू अगर जीरो के इक्वल होगा तो एक्स होगा माइनस टू के इक्वल। तो हेंस रूट्स आर फाइव एंड माइनस टू, ये रूट्स हो गए आपके, नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों देखिए जो पार्ट टू है, ठीक है सबने कर लिया है नोट डाउन, जो इसका पार्ट टू है जैसा हमने एग्जाम्पल किया था बिल्कुल वैसा ही है आपका पार्ट टू, तो उसको आप होमवर्क में कर लेंगे। यहाँ पे हम थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट के आपको कुछ वैल्यूज अंडर रूट में दिए गए हैं तो उससे आपको थोड़ा है ये टफ लग सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे कवर करेंगे, ये आप होमवर्क में कर लेंगे। चलिए पार्ट थ्री को देखते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहले देखिए ए सी क्या है, ए इंटू सी क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू फाइव रूट टू, तो रूट टू को रूट टू से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, दो ही आ जाएगा है ना। रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है, टू होता है, तो रूट टू की जगह टू आ गया और ये फाइव है, दैट इज 5 × 2 = 10, तो आपका ए सी कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। अब जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करके भाई 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि हम उनको एड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाली टर्म के बराबर ला सके, तो क्या होंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू जीरो। तो 10 के मैंने फैक्टर निकाल दिए, 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, ए सी के बराबर आ गया, और 5 + 2x कितना आ गया, 7x। तो बस ये बीच वाली टर्म को इस हिसाब से स्प्लिट कर देंगे, इसके बाद क्या करना है वो तो आपको पता है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो और आगे अब सॉल्व करो। तो बच्चों आगे कैसे करना है, देखिए कॉमन ले लेंगे इससे, जहां जहां पे कॉमन आता है आपका कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया, रूट टू एक्स प्लस फाइव, रूट टू एक्स प्लस फाइव कॉमन आ गया। फिर उसके बाद हम क्या कॉमन ले लेंगे, देखिए यहां पे ध्यान देना कि टू एक्स है प्लस 5√2 है, तो टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं √2 × √2, √2 × √2 टू होता है ये आपको पता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए √2 कॉमन आ रहा है दोनों में, √2 कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद √2x प्लस 5 आ जाएगा और क्या बच जाएगा, x प्लस √2 इक्वल टू जीरो। अब बच्चों आपको करना क्या है, अब आपको
नाउ दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो है ना, आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय रूट टू, और दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू। रूट्स क्या आ गए, रूट्स आ गए माइनस फाइव बाय रूट टू एंड माइनस रूट टू, ये इसके रूट्स हो गए, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों यहां पे हमने देखिए एक मेथड सीखा है, नया मेथड जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। इसको जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस करना है और ये मेथड आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।